हेलो, ये नेक्स्ट वीडियो होने वाला है अपना प्रॉफिट एंड लॉस का। ये क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको हमको कोशिश करना था। अब इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा, एक बार फटाक से देख लो। देखो क्या कहता है, अ डीलर हु सेल्स इज गुड एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ 900 ग्राम वेट फॉर अ केजी, फाइंड हिज कॉस्ट प्राइस। मैं मान लेता हूँ लेट लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 रुपीज। ठीक है, अगर 1 ग्राम का 1 रुपए है तो 900 ग्राम का 900 रुपए होता होगा। धीरे सा फोकस करो, वैसे 1000 ग्राम का 1000 रुपए होता होगा। ठीक है, कंफर्टेबल लेवल उसमें। अब जरा इस वाले कंसेप्ट को समझना, जरा यहाँ पर सिर्फ एक समझने वाली बात है और कुछ भी नहीं। उसने बोला कि मैं जितने में खरीद कर आया हूँ उतने में ही बेचूंगा, तो इसका मतलब अगर वो 1 ग्राम में खरीद कर आया, 1 ग्राम 1 रुपए में खरीद कर आया था, तो वो 1 ग्राम 1 रुपए में ही बेचने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर क्या कहता है, बट यूजेज 900 ग्राम वेट फॉर अ केजी। अब बात को समझना, सामने वाला इंसान आया उसके पास, उसने उससे 1 किलो चावल मांगा होगा। ठीक है, 1 किलो चावल मांगा होगा मतलब 1000 ग्राम मांगा होगा, और कितने रुपए निकाल कर दिए होंगे, 1000 रुपए निकाल कर दिए होंगे। तो इसका मतलब शॉपकीपर ने कमा लिए, शॉपकीपर ने कमा लिए 1000 रुपए। ठीक है, लेकिन जैसे ही शॉपकीपर ना तौलने जाता है, जैसे ही तौलने जाता है तो कितना मेजर करता है भाई, 900 ग्राम मेजर करता है। 900 ग्राम मेजर करता है मतलब कि उसका कॉस्ट कितने का लगा होगा, 900 रुपए का लगा होगा। सीन आ रहा है समझ में? लिए सामने वाले से उसने 1000 रुपए, लेकिन दिया सामान 900 रुपए का। 900 रुपए का सामान देगा और 1000 रुपए अगर लेगा तो इसका मतलब कि प्रॉफिट कमाएगा ना। ठीक है, प्रॉफिट कमाएगा कितने रुपए का भाई, 100 रुपए का। कंफर्टेबल है बोलो उसमें? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, वो होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, देन यूज परसेंटेज को सॉल्व करोगे तो 11.11% ये इसका आंसर है। देखो धीरे से, आपको डाउट है तो पूछो। आइडिया एक्सेप्टेड? अब जरा बात को समझना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम सेइंग कि ना इस वाले क्वेश्चन को ना, ये जो मैंने ट्रिक, ये जो मैंने ब्लैक कलर आपको बताया, ये बहुत ही बेसिक है। इस तरह से तो आप बना ही सकते थे, इसको आप एक और एंगल से बना सकते हो। वाला एंगल भी देख लो, यही मैं बता रहा हूँ, जरा समझ लो। आप चाहो ना तो कभी भी फॉल्टी मेजर वाले क्वेश्चन में, कभी भी फॉल्टी मेजर वाले क्वेश्चन में ये फंडा डायरेक्ट लगा सकते हो। फॉल्टी मेजर कैसे, पहले ये समझ लो। मांगा था 1 किलोग्राम, दिया 900 ग्राम, तो मेजरमेंट में फॉल्ट कर दिया। समझ में आया? मांगा था 1 किलोग्राम, तोला 900 ग्राम, तो मेजरमेंट फॉल्ट हो गया, जिसको फॉल्टी मेजर बोलते हैं। अब उसके लिए फंडा होता है, ये जान लो फंडा क्या होता है। फंडा होता है ट्रू मेजर अपॉन फॉल्टी मेजर। इसको यहाँ लिख देता हूँ, एक सेकेंड, ऐसा लिखता हूँ इसको। 100 + g अपॉन 100 + x इज इक्वल टू ट्रू मेजर अपॉन फॉल्टी मेजर। अब इसको अप्लाई करना सिखाता हूँ, एक बार उसको भी सीख लो। ठीक है, हाँ वही राकेश वही बताने वाले, इसको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, इसको सीख लो ये अप्लाई कैसे होता है। जरा फोकस करना, चलो ये ट्रू मेजर क्या होता है, इतना से एक चीज बता रहा हूँ, सुन लो। ट्रू मेजर क्या होता है, ट्रू मेजर वो क्वांटिटी होगी जो आपसे कस्टमर मांगने आया होगा। कस्टमर 1 किलो मांगने आया तो ट्रू मेजर हो गया 1 किलो। ठीक है, फॉल्टी मेजर क्या होता है, फॉल्टी मेजर वो क्वांटिटी होती है जो आप उसको फॉल्ट करके तौल के पकड़ा देते हो। उसने आपसे 1 किलोग्राम मांगा था,
आपने उसको फॉल्ट करके 900 ग्राम पकड़ा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 900 ग्राम हो गया फॉल्टी मेजर, आपने फॉल्ट किया इसमें, ठीक है, कंफर्टेबल। अब समझो ये एक्स क्या होता है, ये एक्स ना तीन अलग अलग रोल प्ले करता है। पहला रोल प्ले होगा एक्स का, वो बोलेगा क्वेश्चन में कि जो शॉपकीपर है ना वो 10% प्रॉफिट कमा कर बेच रहा है। ये 10% कहाँ से है सर, ये 10% एग्जाम्पल है, 10 की अगर 20, 22, 25 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो बोलेगा क्वेश्चन में कि शॉपकीपर ने 10% प्रॉफिट कमा कर बेचा, तो उस वाले के साथ एक्स की वैल्यू को +10 पुट कर सकते हैं, अगर 20 होगा तो +20, 30 होगा तो +30, ठीक है। फिर बोलेगा क्वेश्चन में कि उसने सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस, मतलब कि उसने कॉस्ट प्राइस पर ही बेचा है, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस पर ही बेचा है इसका मतलब कि शुरू में तो कुछ नहीं कमाया, शुरू में कुछ नहीं कमाया, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। फिर बोलेगा क्वेश्चन में कि सोल्ड नहीं, गेव गेव डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 10% एग्जाम्पल है, 20, 30, 40 कुछ भी हो सकता है इसकी जगह पर। डिस्काउंट दे रहा है मतलब कि लेस होगा, आगे बस समझ में, और कॉस्ट प्राइस पर डिस्काउंट दे रहा है इसका मतलब क्या है, मैंने आपको इसके पहले बताया हुआ है कि जो डिस्काउंट है वो हमेशा मार्क प्राइस पर मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस पर डिस्काउंट दे रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि इंसान घाटे में काम कर रहा है, घाटे में काम कर रहा है। कहने मतलब आपने सुना होगा कई दफा कि शॉपकीपर लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा सामान स्टोर करके रख लेते हैं कि बाद में दाम बढ़ेगा तो बेचेंगे आराम से, है ना। तो कभी कभी ऐसा हो, हमेशा फायदा हो जरूरी नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि उनको लॉस भी जाता है। तो अगर उनको लॉस हुआ तो उस वाले सिम्टम में क्या होगा, उस वाले पॉइंट पर क्या होगा कि हम उस जगह पर एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस का 10। ये माइनस वाला साइन इंपॉर्टेंट है। तो एक्स की ये तीन पॉसिबिलिटीज हो गई जो मैंने आपको इस कलर में समझाई, ठीक है। और ये जी क्या है, ये जी है ओवरऑल गेन। ओवरऑल गेन कहने का मतलब है वो वाला गेन जो आपसे क्वेश्चन में पूछता है, ये वाला गेन होता है जी। अगर बात समझ में आता है कंफर्टेबल है, मतलब ओवरऑल गेन मतलब कि मान लिया प्रॉफिट भी 10% कमाया, मेजर में भी फॉल्ट किया, तो ओवरऑल कितना कमाया, ये वैल्यू देगा आपको जी, ठीक है। अब जरा इस चीज को सीखो तो क्या करने की कोशिश करो, जरा समझना यहाँ पे फोकस करना। अब ये जो फंडा जो मैंने ग्रीन कलर आपको दिया ना, या ब्लू कलर में समझाने वाला हूँ, देखो जरा कैसे होता है। देखो 100 प्लस जी अपॉन, क्योंकि बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस पर ही सेल करता है, इसलिए एक्स की जगह पुट कर रहा हूँ 0। समझ में एक्स जीरो को सेल कर पुट कर रहा हूँ क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर ही सेल कर रहा है, शुरू में कुछ नहीं कमा रहा, ठीक है भाई। ट्रू मेजर अपॉन फॉल्टी मेजर, कितना मांगा था 1 kg, तो इसका मतलब 1000 ग्राम मांगा था आपसे, कितना देकर आया तुम 900 ग्राम, तो ये हो जाएगा 900 ग्राम, ठीक है। तो सब कुछ कैंसिल एंसल करोगे तो कैसे दिखाई देगा, 100 प्लस जी अपॉन 100 इज इक्वल टू 10 अपॉन 9, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 100 प्लस जी इज इक्वल टू 1000 अपॉन 9, माइनस करोगे इधर तो देखिएगा आपको 100 अपॉन 9 अगेन, तो जी की वैल्यू आ जाएगी 11.1% अगेन। तो जिन बच्चों को ये काले कलर में कष्ट हुआ होगा ना, तो ये नीले कलर से काम चला सकते हो, ठीक है। नीले कलर में मैंने उस हरे कलर को एक्सप्लेन करके बताया हुआ, देख लो इतने आंसर। हाँ बच्चे अथर्व हर टाइप के क्वालिटी में, हाँ राकेश सही किया था आपने। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं।
कोशिश करो तो बच्चे लोग। बनने वाला क्वेश्चन एकदम बनेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था इस वाले क्वेश्चन में। बढ़िया, सारे बच्चों ने अटेम्प्ट लिया, गुड, बढ़िया। अमन 100 प्लस जी अपॉन 100, धीरज डन, सौरभ शावर। अब यहाँ पे एक्स डालता मैं, एक्स देख रहे 10% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है, तो इससे क्या होगा, एक्स के प्लेस पर आप पुट करोगे माइनस में 10 इज इक्वल टू 1000 अपॉन 900। ठीक है, जैसे इसको सॉल्व करते हो इसकी वैल्यू आती है 0। जी के लिए 0 आने का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
थोड़ा सा लैंग्वेज में है, मतलब कि क्वेश्चन में लैंग्वेज है, तो उसको लेकर परेशान मत होना, कोशिश करना बस। इंस्टेड ऑफ 1 kg, हाँ चलो चलो कोशिश करो, ये है क्वेश्चन आपके सामने, प्रयास कीजिए। ठीक है राकेश बच्चे, सर आप कंसिडर करते हैं, आपका ही जवाब। और कोई बच्चा कुछ देना चाहता है? और कोई बच्चा कुछ आंसर देना चाहता है? ठीक है अमन, मैं सॉल्व करके बताता हूँ, लास्ट 30 सेकेंड्स। अथर्व साहब दीजिए कुछ आंसर दीजिए, धीरज लावत से। कोई नहीं मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा चलो सुनो, देखो मैं बताता हूँ, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फॉलोइंग मेथड मर्चेंट शुड यूज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, बोल रहा है कि मर्चेंट को कौन सा वाला मेथड यूज करना चाहिए। चार मेथड लिखे हुए ना, ताकि उसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा आ जाए। ठीक है भाई, क्या कह रहा है? इंक्रीज द प्राइस बाय 5%, रिड्यूस द वेट बाय 5%। ठीक है, तो ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ, ऑप्शन है, ऑप्शन है यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं सॉल्व करता दिखाई देता है, 100 + g अपॉन 5% बढ़ाकर बेच रहा है, तो एक्स में क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा ना। ठीक है, और वेट को 5% कम कर दे, मान लिया 100 ग्राम कोई मांगने आता होगा, उसका 5% कम करूंगा तो कितना ग्राम दूंगा, 95 ग्राम दूंगा। ये एक्सप्रेशन समझ में आए? किसे जो कष्ट हुआ इसमें एक्सप्रेशन में, आगे बोलूं? फटाफट डॉट मारो, बैठे बैठे सो जाते अपन लोग। अब जैसे इसको माइनस करोगे,
इससे जी की वैल्यू निकल कर आएगी 10.5%। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं कैलकुलेशन पार्ट स्किप कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी, मिक्स इंप्योरिटी टू एक्सटेंड ऑफ 10% टू द वेट ऑफ राइस। अब ये सीधा सा गणित है एकदम, जैसे दूध वाले भैया हमको दूध बेचने के लिए आए, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो ना दूध में पानी मिलाते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो ना दूध में पानी मिलाते हैं, ये बात मानते हैं, वो जितना ज्यादा पानी मिलाते हैं उतना ज्यादा उनको फायदा होता है, एग्री करते हैं पहले, जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा उनका फायदा, एक्सेप्टेड, ठीक है। तो हम उस पानी को और दूध समझ के पीते भी रहते हैं कि वाह क्या दूध है। तो बात को समझो, बात दरअसल सिर्फ इतनी है कि जितनी जितना पानी उतना फायदा का मतलब ये है कि भाई जितनी इम्प्योरिटी उतना प्रॉफिट, कंफर्टेबल अपन लोग, ठीक है। जितना पानी उतना फायदा का मतलब ये है कि जितनी इम्प्योरिटी उतनी प्रॉफिट, गई है लाइन दिमाग में? अब सीधी सी लाइन लिखी थी, इम्प्योरिटी मिलाया 10% का, तो 10% तो फायदा कमाएगा ही ना, कंफर्टेबल। नंबर थर्ड, यूज वेट ऑफ 900 ग्राम इन द केस ऑफ इंस्टेड ऑफ केजी, तो 100 प्लस जी कुछ नहीं दिया रहता, एक्स वाला मतलब कि 0,000/900, और इसको मैंने अभी भी सॉल्व किया, इसकी वैल्यू आती है 11.11%, इधर है। और फोर्थ वाले में क्या करता है, फोर्थ वाले में बोलता है भैया मेरे पास इतना दिमाग नहीं खर्चा करने के लिए, जितने में भी लाया हूँ उसका 10% बढ़ाकर बेच रहा हूँ, बस बात खत्म, ठीक है। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको ये दिखाई दे रहा है कि पहले पर 10.5 का प्रॉफिट, दूसरे पर 10, तीसरे पर 11.11, चौथे पर 10% प्रॉफिट। पूछ रहा है कौन सा मेथड लगाता तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता, इन चारों में सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में दिखाई दे रहा है आपको? पूछो कोई डाउट है तो बताओ। आइडिया एक्सेप्टेड है, ठीक है, चलो शाबाश। अगला क्वेश्चन एक बार फिर कोशिश करना, अभी इस टाइप का ना, इस पैटर्न का आखिरी क्वेश्चन लेने वाला हूँ, फिर उसके बाद ये सेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा मेरा। आराम से कोशिश करना, बनेगा आपसे। चलो जरा क्वेश्चन करो, बनने वाला क्वेश्चन बना लो,
अथर्व का 5 आ रहा है, तो और बच्चा आंसर देना चाहता है? ठीक है, तो लास्ट 30 सेकंड्स। चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ, देखो कैसे सॉल्व हो गई, समझ जरा बस। क्वेश्चन ने कहा कि अ डिसऑनेस्ट डीलर यूजेस अ वेट ऑफ 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। ठीक है भाई, तो ट्रू मेजर है मेरे पास 1000, उसके ऊपर आ जाएगा 100 फॉल्टी ऊपर, एट 20% इम्प्यूरिटी। ठीक है भाई, एंड व्हाट शुड बी प्रॉफिट इफ ही सेल्स इट्स गुड एट द कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 प्लस जी और ये हो जाएगा 100 प्लस 0। ठीक है, ये बात समझ, 0 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस पर ही बेच के आऊंगा भाई। ठीक है, जैसे अब इसको सॉल्व होगा कैसे दिखाई देगा, 100 प्लस जी इज इक्वल टू 1000/8, इसको इधर भेजूंगा तो आ जाएगा ये 200 हो जाएगा ये। 200/8 कैंसिल आउट करूंगा, इसको मैं थोड़े डाय कुछ और आएगा, दोनों 0 से कैंसिल, उधर गया 800, 1000 - 800 = 200, तो 4 × 8 व्हिच इज 50, तो ये आ गया 25%। अब जरा समझना तो इस वाली बात को, देखो तो ये जी की वैल्यू आ रही है 25%। जी क्या है पहले ये समझ लो आप इतना से। जी ये है कि जब वो कॉस्ट प्राइस पर बेचने की बात करता है लेकिन मेजरमेंट में 100 का 800 ग्राम कर देता है, जब कॉस्ट प्राइस पर ही बेचा लेकिन मेजरमेंट ने 100 का 800 कर दिया, तो उसको 25% का फायदा हुआ। ठीक है, तो ये पहला प्रॉफिट आ गया 25% का, मेजरमेंट ने फॉल्ट करने के कारण, गॉट इट। लेकिन अब भी उसने 20% की जो इम्प्योरिटी मिली उसका भी तो उसको फायदा मिलेगा ना, तो मैंने क्या बताया था, जितनी इम्प्योरिटी उतना प्रॉफिट। तो एक तरफ वो 25% का प्रॉफिट तो कमा ही रहे मेजरमेंट ने फॉल्ट करके, दूसरी तरफ वो 20% का भी प्रॉफिट कमा रहा है इम्प्योरिटी मिला के, तो नेट कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 25 + 20 + 25 × 20/100। ठीक है, तो फिर आप सॉल्व कर दो, 45 + 5 इज इक्वल टू आंसर इज 50%। देखो भाई इंटरेस्ट है, बताओ। कंफर्टेबल अपन लोग, अमन अगर आप एक्स के पे 20 रख दोगे ना, तो ये वाली लाइन को कैसे जस्टिफाई करोगे, ये वाली जो लाइन है, भले ठीक है आंसर आ गया होगा, ये लाइन को कैसे जस्टिफाई करोगे, ये लाइन में कह रहे हैं ना कि उसने कॉस्ट प्राइस पर ही सेल किया है, तो फिर इस वाली लाइन को कैसे जस्टिफाई करोगे बताओ। वहां पर एक्स इज इक्वल टू 20 रखने का मतलब इट साउंड्स लाइक कि आपने 20% कमा लिया उसमें, लेकिन वो कह रहा है कि वो 20% नहीं कमा रहा, वो कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है, तो उसको इसलिए अपन को हमें 0 डालना पड़ा। ठीक है, हाँ अथर्व अगर नहीं होती लास्ट लाइन तो फिर आप एक्स इज 20 रख देते तो काम बन जाता।
कंफर्टेबल है सारे बच्चे लोग? ठीक है चलो सुनते हैं। हालांकि मैंने कल वाली क्लास वाली अनाउंसमेंट करी थी, एक बार फिर से बोल देता हूँ। आज आपको ना समय दे रहा हूँ पूरा, जितने भी शीट में जो भी क्वेश्चन है अपनी तरफ से जितना कोशिश कर सकते हो लगा लो। कल हम लोग शीट के डाउट पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो कल आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। गॉट इट? आज आगे इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपने मेरे एंड से